माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक में मैथमेटिक्स और मैथ्स के अंदर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 17.1 से, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो आज हम क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल एज 7 हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आइए आपको समझाते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट एंड इक्विवेलेंट सेट। एक इक्विवेलेंट सेट आपने बनाने हैं, एन इम्प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट आपने बनाने हैं, और थ्री प्रॉपर सबसेट, और आपने तीन प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। आप ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके पास दो तरह के सेट्स हैं, ठीक है। इनके एक इक्विवेलेंट सेट बनाने हैं, ठीक है, एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, और थ्री प्रॉपर सबसेट आपने बनाने हैं। सबसे पहले हम सेट पी, इसके लिए जो है ना ये जो कंडीशन है वो पूरा करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें, हमारे पास P में क्या चीज मौजूद है, P के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसका इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट से मतलब ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर बराबर हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो लेकिन सेम ना हो। सर एक एग्जांपल देकर समझाएं। एग्जांपल आपके पास ये है कि हमारे पास कंसिडर करें, एक सेट में A कंसिडर करता हूँ, ठीक है। पहले मैं हेडिंग देता हूं कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसका जो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, इसका जो इक्विवेलेंट सेट है वो मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, सेट सेट ए हमारे पास, जिसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है इसमें, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 5, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है बात, इक्विवेलेंट सेट तो हमने बना लिया। दूसरा क्या बोल रहा है, एन इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट से मुराद ये है कि ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर भी बराबर हो और नंबर एलिमेंट भी सेम हो। एक इम्प्रॉपर सबसेट, इसी का इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट देखे आप लोग, सेट बी में नाम देता हूं, इसके अंदर क्या है, ए ई आई ओ यू। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद थ्री प्रॉपर सबसेट, क्या थ्री प्रॉपर सबसेट। अच्छा, थ्री प्रॉपर सबसेट मैं जरा यहां पे आपको लिखता हूं, थ्री प्रॉपर सबसेट। इसका जो थ्री प्रॉपर सबसेट होगा वो किस तरह बनाएंगे हम, अच्छा एक सेट ए बनाए आप, जिसमें आप एलिमेंट्स अपने मर्जी से, इसमें से ही होना चाहिए एलिमेंट्स ए ई आई, ये एक सेट है। एक सेट बी बनाए जिसमें आप रखे आई ओ यू, और एक सेट सी बनाए जिसमें आप रखे ए आई यू। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, थ्री प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या बनाते हैं, ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट के एलिमेंट्स मौजूद हो, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन 2 हम करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 2 करने के लिए हमें ये थोड़ा सा मिटाना होगा, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और उसको समझें। दूसरा हमारे पास ये सेट है, बिल्डर फॉर्म में इसको टेबुलर में चेंज करेंगे। पहले क्यू इज इक्वल टू एक्सर डेट एंड ब्लॉक टू इंटीजर, और इंटीजर में हमारे पास क्या है, माइनस टू खुद भी शामिल है इसमें, है ना, माइनस टू से लेके माइनस वन जीरो वन एंड टू, ये है हमारे पास, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सेट क्या बनेगा, हाँ क्या, ये मैंने इसको चेंज किया ना, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको टेबुलर में चेंज करेगा,
आप इसका क्या बनाने हैं, सबसे पहले इक्वेलेंट सेट लिखना। इक्वेलेंट में क्या लिखेंगे आप? हाँ, इक्वेलेंट में आप लिखे ए बी सी डी ई। ये देखो सेम एलिमेंट है ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन खुद एलिमेंट डिफरेंट। ठीक है, ये इक्वेलेंट सेट हो गया। इसके बाद क्या बनाएंगे? एक इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट कैसे बनेगा? वही जितने एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है इसका, इसी का इम्प्रॉपर सेट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे इसके लिए? थ्री प्रॉपर सेट। अब तीन प्रॉपर सेट कैसे बनाएंगे? थ्री प्रॉपर सबसेट। इसमें आप इसी से उठाएंगे माइनस टू एन माइनस वन का एक सेट बना सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा एक सेट आप बनाएंगे, एक सेट आप बनाए माइनस टू माइनस वन जीरो एन वन, और एक सेट आप क्या बनाएंगे जीरो वन एन टू। ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से सेट बना सकते हैं। राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने सिंगलटन सेट सेट की आपने क्या देनी है? एग्जांपल देनी है। तो देखिए मैं इसकी दो एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं। एक सेट है ए, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर है आपके पास किससे, एक्स जो है ना आपके पास ग्रेटर है वन से और एक्स लेस देन है किससे थ्री से। तो सेंटर में क्या आएगा, क्या बचेगा? टू बचेगा ना, वन से ग्रेटर थ्री से लेस टू। तो टू सिंगलटन सेट है, क्यों? क्योंकि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट को हमने बिल्डर फॉर्म इस तरह लिखना है। एक और एग्जांपल देने को कहा है, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इस दफा इंटीजर रखे आप, ठीक है, एंड माइनस वन से जो है ना ग्रेटर और आपके पास वन से लेस माइनस वन से ग्रेटर क्या बचेगा? जीरो। एलिमेंट के अंदर आपके पास क्या आएंगे? जस्ट जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इसके एग्जांपल होंगे। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करते हैं। राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके पावर सेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? इनके पावर सेट। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे? राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन इसके हमने क्या बनाने हैं? पावर सेट बनाने। तो पावर सेट कैसे बनाएंगे? देखो पावर सेट बनाते हुए पावर सेट आप ए आपने बनाने हैं, तो ये बराबर होगा सबसे पहले पावर सेट में खाली सेट आता, ठीक है, फिर फाइव अलग से लिखेंगे, ठीक है, फिर टेन अलग से लिखेंगे, ठीक है, फिर फिफ्टीन अलग से लिखेंगे, फिर फाइव फोर टेन का एक पेयर बनेगा, ठीक है, फिर फाइव फोर फिफ्टीन का एक पेयर बनेगा, ठीक है, फिर टेन और फिफ्टीन का एक पेयर बनेगा, फिर आखिर में फाइव टेन और फिफ्टीन का एक पेयर बनेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपने सही लिखा है या गलत? तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये होना चाहिए, थ्री वाले एलिमेंट्स का। कैसे पता? थ्री की पावर आप क्या करेंगे? टू की पावर आप क्या करेंगे? वन टू थ्री करेंगे, तो टू के ऊपर पावर थ्री का मतलब एट। तो आपका ये पूरा सही आया है, क्योंकि कितने टोटल कितने आने चाहिए? एट आने चाहिए। ये थ्री कहाँ से आया? वन टू थ्री, टू फार्मूले का, असल में ये टू एन से निकालता है, टू एन। हाँ, हर किसी में होगा, इसी तरह करेंगे, ठीक है। और जब वापस दे दे आसान हो रही है तो हम ये भी डिस्कस करते हैं।